बोलिए सर। तो राजस्थान सरकार बार बार केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, ये बात जो कह रही है उसमें सच्चाई नहीं है। मैं सरकार के सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूँ। अब तक तो राजस्थान को 17,230 करोड़ रुपया, जो मेरी जानकारी में आया है वो जिसको मैंने गिना है, वो इनके पास पहुँच गया है। इसके अलावा भी लगभग 40,000 मैट्रिक टन अनाज इन लोगों के पास पहुंचा है। नरेगा में ही पिछले साल का 7100 करोड़ रुपया पहुंचा है और इस साल का 2870 करोड़ रुपया जो है वो पहुंचा है। ना उज्ज्वला योजना में अभी एक ही किस्त इन लोगों को जो मिली है वो 470 करोड़ रुपया, 62,00,000 घरेलू कनेक्शन जो गरीब लोग हैं जिनको दिया वो इनके पास पहुँच गया है। जनधन योजना में जो 500 रुपया डाला है, 1,52,00,000 महिलाओं के खाते में 660 करोड़ रुपया उसमें पहुंच गया है। किसान सम्मान निधि में वैसे तो 62,00,000 किसान है, लेकिन अभी तक 37,00,000 किसानों को भी पहुंचा है, वो भी 744 करोड़ रुपया पहुंचा है। SDRF में इनके पास 740 करोड़ रुपया जो है वो पहुंच गया है। ना ये जो मेडिकल का पैसा है, जो मेडिकल के इक्विपमेंट और बाकी चीज़ें में, इसमें 1780 करोड़ रुपया पहुंचा है। ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत जो है ना 2765 करोड़ रुपया इनके पास पहुंचा है। मैं सोचता हूं कि जितना भी अभी तक किसान अभी भी जो BPL परिवार हैं उनको जो अनाज गया है 5 किलो, वो सारा का सारा केंद्र सरकार के द्वारा निःशुल्क दिया हुआ है वो पहुँचा है। सेकेंड किस्त अभी बढ़ना शुरू हुआ है। मेरी सरकार से आग्रह है कि आप रोज़ केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हो, अच्छा हो भगवान के लिए। आपके द्वारा इस राजस्थान की जनता को कौन कौन सी स्कीम में पैसा जो राज्य सरकार का वो गया है, अन्य जो गया है वो केंद्र सरकार का सहयोग उसमें है, वृद्धावस्था पेंशन और बाकी है उसमें केंद्र सरकार का हिस्सा है, आपने कौन सा पैसा पहुंचा कृपा करके इसको प्रकट करेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी कि वास्तव में केंद्र को बार बार एक तरह से टारगेट पे लेना उचित नहीं है। मैं सोच रहा हूं केंद्र सरकार ने पूरे भरपूर मन से सहयोग किया और आगे भी सहयोग कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री चाहे तो मेरी बात को सुनने के बाद अपने खजाने से जो पैसा आपने दिया है उसकी एक सूची जारी कर दो, ताकि राजस्थान की 7 करोड़ जनता इसका हिसाब करे।